रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ऑलराइट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से क्या माथे पर या उसके पास नहीं लगाया जाता? Which of these is not generally applied on or near the forehead? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए बिंदी, बी तिलक, सी नेल पॉलिश, डी सिंदूर। बिंदी, तिलक, नेल पॉलिश, सिंदूर। समय समाप्त हो गया, सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी, नेल पॉलिश। देखते हैं नेल पॉलिश में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका रहा? डॉक्टर तन्वी खन्ना जी का रहा, 1.52 सेकंड्स। ऑलराइट, तो हमारे लीडर बोर्ड एक जो स्थिति बनती है वो डॉक्टर तन्वी खन्ना पहले स्थान पर पहुंच गई। ऑलराइट, अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पक्षी सबसे छोटा है? Which of these birds is the smallest? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहा है। शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच, बी कीवी, सी ईमू, या डी एम्परर पेंगुइन। समय हो गया समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? बी कीवी है। अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने जवाब दिया। ओहो, एक दो तीन को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? शाश्वत गोयल जी का, 1.96 सेकंड्स। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। डॉक्टर तन्वी आगे चल रहे थी और सुमित कुमार शॉ ये पहुंच गए हैं नंबर वन स्थान पर। ऑलराइट कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आने वाला है। रेडी, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खेल में ऐसा नियम है जिसमें सफेद मोहरों वाला खिलाड़ी खेल शुरू करता है? इन विच स्पॉट इज देयर अ रूल बाय विच द प्लेयर विद द व्हाइट पीसेस स्टार्ट्स द गेम? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहा है। ए बॉलिंग, बी कैरम, सी शतरंज, या चेस, डी लूडो। बॉलिंग, कैरम, शतरंज, लूडो। समय हो गया समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए? शतरंज, चेस है सी। ऑलराइट, सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। ओके, सबसे कम समय किसका लगा? शाश्वत गोयल जी का लगा, 0.88 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति थी, सुमित कुमार शॉ प्रथम स्थान पर थे। शाश्वत गोयल, समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए शाश्वत गोयल जी। ये एक ई कॉमर्स कंपनी में स्ट्रेटजी मैनेजर हैं और ये दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शाश्वत जी। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि स्ट्रेटजी मैनेजर ई कॉमर्स ये किस तरह की नौकरी होती है? जी सर, जब मैं रोज सुबह उठता हूँ मेरे मन में भी सबसे पहले एग्जैक्टली यही सवाल आता है कि ये काम क्या होता है, मैं करता क्या हूँ। बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, ये एक टेक्निकल और मैनेजमेंट नौकरी दोनों का मिक्सचर है। आप ये समझ लीजिए दैट मैं एक इंटरनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बड़ा मुश्किल काम है आपका शाश्वत जी। जी और सर, इसके लिए काफी मेहनत, काफी ज्ञान, काफी बुद्धि लगानी पड़ती होगी आपको। ऑलराइट, मैं देख रहा हूँ कि आज आप कंपेनियन के रूप में किसी को नहीं लाए हैं। जी सर, मैं कंपेनियन के रूप में किसको नहीं लाया हूँ, इसके पीछे सर एक बहुत गहरी वजह है। अगर मैं करीब 20-22 साल पहले जाऊँ, जब KBC पहली बार TV पर आया था 2000 में, तो जब हम रात को 9 बजे बैठते थे एज अ फैमिली, जब हम शो देखते थे, तो मम्मा हमेशा मुझे कहती थी कि उनका सपना है कि उनका बेटा एक दिन हॉट सीट पे जाए। तो वो सुन के मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन आया था और उस टाइम मैंने बहुत अप्लाई किया था। मोबाइल और SMS तो नहीं होते थे, इंटरनेट और ऐप्स तो दूर की बात है, तो मैं लैंडलाइन पे लगा रहता था, बट कभी कुछ हुआ नहीं। KBC जूनियर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने छोड़ दिया था, शो तो देख रहा था बट अप्लाई करना छोड़ दिया था। फिर 2013 में जब मेरी पढ़ाई थोड़ी कंप्लीट हुई थी और जब मेरी पहली नौकरी लगी थी, तब मेरे को फिर लगा कि अब मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया हूँ,
मम्मी के सपने को फिर से उठाते हैं। तो 2013 से हर साल मैंने अप्लाई किया, हर साल मैंने ट्राई किया, बट कभी भी कुछ बुलावा नहीं आया मुझे। बट फिर भी मैं लगा रहता था कि कभी ना कभी तो कॉल आएगा, कभी ना कभी तो अपना टाइम आएगा। तो इस मेंटालिटी से मैं कर रहा था, पर कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान जब देश में काफ़ी ख़राब स्थिति थी, तब कोविड की वजह से माय मम्मा पास्ड अवे। तब से लेके आज तक मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है, और 9 साल कंटिन्यूसली ट्राई करने के बाद अब जब मुझे मौका मिला है हॉट सीट पर आने का, तो जिसके लिए मैं ये करना चाहता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो आपके लिए, यहाँ बैठी ऑडियंस के लिए, घर पे बैठे दर्शकों के लिए शायद वो सीट खाली होगी, बट मेरे लिए उस सीट पे जिसको होना चाहिए वो आज भी वहीं पर है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब परिवार का कोई सदस्य चला जाता है तो कहा जाता है कि कुर्सी खाली हो गई। खाली कभी नहीं होती है कुर्सी जी सर, कहीं ना कहीं वो हमेशा उस कुर्सी पर रहते हैं, अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज भी वो आपके साथ यहां बैठ करके अपना आशीर्वाद दे रही हैं। आओ। थोड़ा अच्छा सर, तो चलिए गेम की शुरुआत करते हैं। इतना जान लीजिए कि आज आप स्पॉटलाइट पे हैं। मैं आपको जो हमारे खेल के नियम हैं, रूल्स हैं, उनसे आपका परिचय करवा दूं। देखिए, एक एक करके यहाँ पर आपके सामने सवाल आएंगे। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइंस रखी हुई हैं, कहीं आप अटक जाएं या जवाब ना दे पाएं। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरी लाइफ लाइन है 50-50, दो गलत जो विकल्प हैं वो मिट जाते हैं। और वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, आप अपने किसी भी दोस्त से बात कर सकते हैं। ऑलराइट, प्रारंभ किया जाए। Let's play, कौन बनेगा करोड़पति? और छात्रों, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये चिन्ह है सामान्यतः क्या दर्शाता है? ये एक इमेज प्रश्न है। What does this symbol generally indicate? तस्वीर दिखाई जाए, देख लिया। ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, लो बैटरी। बी, अ वेबसाइट। सी, अ लोकेशन। डी, वाईफाई। बैटरी कम है, एक वेबसाइट, एक स्थान या वाईफाई? सर, ये लोकेशन का चिन्ह है, क्योंकि जब हम मैप्स की कोई भी ऐप यूज करते हैं, गूगल मैप्स हो गया, तो उसमें ये हमेशा आता है कि ये आपकी डेस्टिनेशन है, तो उस पर ये लाल रंग का चुंडू सा बना होता है। तो सी, ए लोकेशन, इसको सी, ए लोकेशन, इसको लॉक किया जाए, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन। उल्टा टियर ड्रॉप कहते हैं इसे, उल्टा टियर ड्रॉप आकार का कई बार पिन या मार्कर जैसा कि आप कह रहे थे कहा जाता है। ये अब डिजिटल मैप्स, जिसके बारे में आपको सूचना थी, पर लोकेशंस के लिए एक यूनिवर्सल सिंबल ये बन गया है जी सर। और इस पिन को गूगल के एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनका नाम है जेंस रैसमुसन ने डिजाइन किया था। ओके, इंटरेस्टिंग। ऑलराइट शास्त्र जी, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 2000 रुपए। रेडी, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से कौन सा देश खाड़ी नामक क्षेत्र में नहीं स्थित है? Which of these countries is not located in the region popularly known as the Gulf? ऑप्शन सुनिए, ए UAE, बी रोमेनिया, सी येमेन, और इज इट डी ओमान। संयुक्त अरब अमीरात, बी रोमानिया, सी येमेन, ये डी ओमान। सर, UAE, येमेन और ओमान तीनों ही गल्फ रीजन में स्थित हैं, तो रोमानिया यूरोप में, तो इसका सही आंसर रोमानिया होना चाहिए। ऑप्शन बी को प्लीज लॉक किया जाए, बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, रोमानिया जो है वो ईस्टर्न यूरोप में है, बाकी तीन जैसे कि आपने कहा वो सब गल्फ कंट्रीज है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। शाश्वत जी, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। कभी आप गए क्या गल्फ कंट्रीज में? सर,
हाँ एक्चुअली मैं गया हूँ, तो MBA के बाद जो मेरी पहली नौकरी थी उसमें मैं एक कंसल्टेंट की तरह काम करता था, तो अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता था। और यहीं पे मैं एक्चुअली एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। जी जी। जब मैं छोटा था तब से ही मैं क्विजिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा हूँ। स्कूल, कॉलेज, कॉरपोरेट, जोनल, रीजनल कभी भी क्विज होता था मैं पहुँच जाता था। तो जब मैं छोटा था, स्कूल की बात है, तो एक शो आता था, डेरेक ओब्रायन जी होस्ट करते थे इसको, बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट, सोनी पर ही आता था। तो मैं उसमें इंटरनेशनल फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था। और वहाँ पर जो ये गल्फ कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, इन स्कूल्स, इन रीजन्स की स्कूल्स की टीम्स भी आती थी, तो उनके साथ कम्पीट करना होता था और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता था। तो इसलिए हाँ, गल्फ के साथ काफ़ी कनेक्शन है। जीते कि नहीं? थोड़ा जीता, थोड़ा हारा। ओके, जीतना बहुत जरूरी है, देश का नाम जो है उज्जवल होता है। ओके, हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर, 3,000 रुपए इसका मूल्य। रेडी शाश्वत जी? तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस फिल्म के मुख्य पात्र किसी भी भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा नहीं दे रहे होते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स इज द लीड एक्टर Not serving in the Indian Armed Forces. All right? Options suniye. A. Swadesh. B. Laksh. C. Maihuna. Ya D. Uri. The Surgical Strike. Sir, Laksh mein Hrithik Roshan the, jo Armed Forces mein serve karte the. Maihuna mein Shah Rukh Khan again belong to the Army. Uri mein it was Vicky Kaushal. To answer Swadesh hai. Ismein Shah Rukh Khan the, but wo ek NASA ke scientist the. तो ऑप्शन ए, स्वदेश को प्लीज लॉक किया जाए। ए बिथला लगाया जाए। बड़ी जानकारी है आपके पास, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल डन शाश्वत। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। शाश्वत डूइंग वेरी वेल। फोर्थ क्वेश्चन फॉर 5,000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। प्रीमियर लीग, ला लीगा, सीरी आ, किस खेल से संबंधित कुछ सबसे बड़े लीग के नाम है? प्रीमियर लीग, ला लीगा, Serie A are some of the topmost leagues associated with which game? A. Handball, B. Cricket, C. Netball, or is it D. Football? Sir, iska answer D. Football hai. Premier League UK ki hai, La Liga is Spain se hai, Serie A is from Italy. So option D, football ki leagues hai sari. So please option D ko lock kiya jaye. D ko lock kiya jaye. Absolutely the right answer. Well done. हर एक प्रश्न का उत्तर देने के बाद हमारे जो ये ज्ञान नाथ जी हैं, ये थोड़ी सी भूमिका कहते हैं इसको, आप बता दिया कीजिए। हमें लग रहा है इसको देने की जरूरत ही नहीं, सारी भूमिका अभी दे रहे हैं। सर आप मुझे वहीं बिठा लीजिए ना अगले एपिसोड से। स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है लगता है आपको? बहुत ज्यादा। तो सबसे ज्यादा क्या देखते हैं आप? सर जब छोटा था तब तो सिर्फ क्रिकेट देखता था, क्योंकि सिर्फ वही समझ आता था। बट जैसे जैसे बड़ा होता गया तो काफी सारे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बनता गया, तो अभी तो क्रिकेट, फुटबॉल, फॉर्मूला 1, टेनिस, बैडमिंटन, काफी सारे स्पोर्ट्स को फॉलो करता हूँ। हमारा भी कुछ ऐसा ही मन हो गया है अभी। कोई सर बुरा ना माने, सीरियल वगैरह हम देखते नहीं है, जाके सीधा स्पोर्ट्स चैनल लगा देते हैं, कुछ ना कुछ आता रहता है। क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन, टेनिस, ये सारी चीजें बड़ी रोचक होती हैं। ऑलराइट, जब भी हम सोशल मीडिया पे बात बात करना शुरू करते हैं किसी के साथ, तो न जाने किधर से एक ऐसा ठोंक करके कुछ ऊपर आ जाता है, पॉप अप जी। तो ऐसा क्यों होता है, पहली बात तो ये, और उनको कैसे पता चलता है कि जो हम बात कर रहे हैं या जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसी से संबंधित तो पॉप अप निकलता है? मान लीजिए कि हम किसी से बात कर रहे हैं, क्या भैया आज खाने पे कहाँ जाने वाले हो? क्योंकि सर ऐसा लग रहा है पिज्जा विज्जा खाया जाए, एक तट करके एक पिज्जा का पॉप अप हो जाता है, उसको कैसे मालूम कि हम बात कर रहे हैं पिज्जा के बारे में? सर ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। अच्छा जी, सुन रहे भाई साहब? ऑलराइट सर, होता क्या है कि जब भी हम अपने फोन पे, मोबाइल पे कोई भी नई ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो पहली बार जब वो ऐप चलती है तो हमसे बहुत सारी परमिशंस मांगता है। हम क्या करते हैं, हम जल्दी में सबको यस 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 करके आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इतना लंबा चौड़ा होता है, कौन पढ़े उसको? एग्जैक्टली सर, तो उन परमिशंस में होती है कैन आई एक्सेस योर लोकेशन हिस्ट्री, कैन आई एक्सेस द फोटोज इन योर गैलरी,
कैन आई एक्सेस योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एक परमिशन होती है वो कहता है कैन आई मेक कॉल्स और स्लैश रीड SMSs. तो जब हम कॉल करने की परमिशन दे देते हैं आपको, हम क्या कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली ऐप को ये परमिशन दे रहे हैं कि वो माइक्रोफोन को एक्सेस कर सके जब जब हम उस ऐप को इस्तेमाल करते हैं. तो क्या होता है, जब भी हम उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं वो हमारा सारा ऑडियो रिकॉर्ड करता है, उसको एक क्लाउड सर्वर पे अपलोड करता है, बैकएंड टीम उस डेटा को, एनोनिमाइज डेटा को एनालाइज करती है, और इसके बेसिस पे आपकी एक बहुत ही क्यूरेटेड प्रोफाइल बन जाती है. तो ये तो बस एक बार हुआ, ऐसे 10 लाख 20 लाख 50 लाख बार होता है, और इतना एक्यूरेट डेटा होता है उनका कि आप क्या सोच रहे हैं वो आपसे पहले ही प्रिडिक्ट कर पाते हैं. तो इसीलिए ऐसा होता है कि अगर आप बात कर रहे हैं किसी दोस्त से और आप कह रहे हैं कि भूख लगी है, कुछ खाते हैं, तो उन्हें पता है कि अमित जी को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है. तो उसी टाइम पे अगर आप कोई भी ऐसी ऐप खोलें या फिर किसी भी पिज़्ज़ा प्लेस का एक ऐड दिख जाएगा. तो ये उसके पीछे की साइंस है. यार ये तो बहुत खतरनाक चीज़ बताती है आपने. बट इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है, वो ये है कि देर इज ऑलवेज समवन आउट देर हु इज लिसनिंग टू अस. तो हम कभी अकेले नहीं हैं. लेकिन हम नहीं चाहते कि वो सुने हमारे बात. कैसे रोका जाए? ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए और जैसे हम पहले रहते थे बिना मोबाइल के, वापस उसी जमाने में चलते हैं. अच्छा, ये सारा कुछ जो है रिकॉर्ड हो रहा है? जी, बट एनोनिमाइज रिकॉर्ड हो रहा है. उन्हें ये नहीं पता कि अमित जी क्या बात कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि शाश्वत क्या बात कर रहा है. उनके लिए हम बस एक नंबर है. पर वो नंबर से तो पता कर लेंगे ना? नहीं नहीं, एक आईडी कार्ड लेते समय सब देना पड़ता है ना, कौन है आप, आपकी हाइट क्या है, कहाँ रहते हैं आप मेल है कि फीमेल है, आप रोबोट हैं कि नहीं, ऐसे सब आता है ना. एक यूनिक आइडेंटिफायर टोकन है जिससे हम वापस नहीं एस्टैब्लिश कर सकते कि ये अमित जी की बात हो रही है. अच्छा, नहीं नहीं सर, ये बातें समझ लेनी चाहिए. इतना बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी लाइफ में. ओके, जितने भी हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, भाई साहब शाश्वत जी की बात मान लीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा टर्म्स एंड ऑफ द एग्रीमेंट. ओके, अब आपके सामने आ रहा है अगला प्रश्न. ये है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव. पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. किसी उत्पाद पर इनमें से कौन सा चिन्ह इंगित करता है कि ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित एक मानक के अनुरूप है? Which of these marks on a product indicates that it conforms to a standard developed by the Bureau of Indian Standards? All right? Options sunye. A. Egg mark. B. Blue dot. C. ISI. Or is it D. Eco mark? सर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अगर किसी प्रोडक्ट पे होता है तो उस पर जो चिन्ह होता है वो ISI होता है. तो ऑप्शन सी, ISI को लॉक किया जाए. सी? जी. ऑलराइट, सी ISI पे ताला लगाया जाए. प्लीज लॉक, सी इज द राइट आंसर. वेल डन. लगभग सभी उत्पादों पर आपको ISI मार्क मिलेगा, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें ISI मार्क होता है. और वो इसकी, मैं तो ऐसा कहूंगा अपने दर्शकों को और यहाँ पर, कि हमेशा उसकी जांच करते रहना चाहिए. जी. ओके, पहला पड़ाव पार हो गया है, 10,000 रुपये आप जीत गए हैं. आज निश्चित रूप से आज यहाँ से आप 10,000 ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे जाएं. और यहाँ से आपको मिलेंगे अब 60 सेकंड उत्तर देने के लिए. छठा प्रश्न आ रहा है. छठा प्रश्न, 20,000 रुपये शाश्वत जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन सा स्मारक एक राष्ट्रीय राजधानी में नहीं स्थित है? Which of these monuments is not located in a national capital city? A. Tokyo Tower. B. Sydney Opera House. C. Westminster Abbey. D. Lincoln Memorial. सर, अगर मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करूं तो टोक्यो टावर टोक्यो में है जो जापान की कैपिटल है, वेस्टमिंस्टर एबे लंदन में है जो इंग्लैंड की कैपिटल है, लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में है जो यूएस की कैपिटल है, सिडनी ओपेरा हाउस जैसे नाम कहता है सिडनी में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है बट ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है. तो इनमें से जो मॉन्यूमेंट नेशनल कैपिटल सिटी में नहीं स्थित है
वो सिडनी ओपेरा हाउस है, तो ऑप्शन बी को प्लीज लॉक किया जाए। ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने शास्त्र। वेल प्लेड। और इतनी सारी भूमिका आपने बांध दी है कि इसका एक्सप्लेनेशन देने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारा काम जो है आसान हो गया है। वेल प्लेड शाश्वत, 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। SEO में SE का क्या अर्थ होता है, जो किसी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। What does SE stand for in SEO? A process to increase traffic to a website. ऑप्शन सुनिए। ए सर्च इंजन, बी साइमल्टेनियस एक्सप्रेशन, सी साइलेंट एवोल्यूशन, और इज इट डी सर्च एवोल्यूशन। सर SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इससे किसी भी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना होता है। okay. तो ऑप्शन ए सर्च इंजन को प्लीज लॉक किया जाए। सर्च इंजन ए पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड शास्त्र, इज द राइट आंसर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि आपने कहा, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग डिजिटल मार्केटिंग में किसी वेबसाइट या पेज पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि अधिक लोगों को प्रोडक्ट्स या जो सर्विसेज वो देता है उसके बारे में उनको पता चले। वेल प्लेड, या ऑलराइट। सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं कि नहीं शाश्वत? सर मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ। बहुत अकलमंदी कर रहे हैं आप। इंटरनेट पे मैं मीम्स पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। मैं मीम्स देखता भी हूँ और मीम्स बनाता भी हूँ, और अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक्चुअली KVC ओरिएंटेड कुछ मीम्स बनाकर लाया हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो भाई साहब बताइए मीम होता क्या है। इंटरनेट पे आप एक कोई वायरल जोक चल रहा है और लोग उसका अपना वर्जन क्रिएट कर रहे हैं। ओहो। और वो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि वो दो ऐसी चीज़ों को लिंक कर रहा है जो पॉप कल्चर रेफरेंसेस हो या फिर जो चीज़ें रिसेंटली ट्रेंड कर रही हो उनके बारे में बात कर रहा है। ओके। तो ये मीम्स होता है। तो आप हमको हम लोग के ऊपर बनाया आपने? जी सर, KVC के ऊपर ही बनाया। सर हमारे देखने लायक है या नहीं? सर आपके दिखाने के लिए ही लाया। ओके, देखा जाए। भाई साहब इज्जत हमारी रख लीजिएगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देवी और सजनों, आप कहीं जाइएगा मत। हे भगवान, मी आफ्टर स्टडिंग फॉर 1 मिनट। तो सर ये मैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी यहाँ बैठे हुए कंटेस्टेंट्स हैं, जब हम KVC की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमारा यही हाल था। ओहो, अच्छा अच्छा। When you upset your wife, हाँ ये ठीक है सर। जितने भी महिलाएं कंटेस्टेंट यहाँ आई हैं सब फूट फूट के रोती है। हाँ नहीं नहीं हाँ, और जो तो टिश्यू बॉक्स रखा है ना उसी को उठा उठा के हम देते रहते हैं। तो देख रहे हैं आप, मिल रहा है। ये एक और आ गया। आफ्टर स्पेंडिंग 1 डे एट द जिम, आप चाहे तो क्विट कर सकते हैं। When you know that you have impressed your boss and you will get the promotion, और ये गया सीधे आपके अकाउंट में, बिल्कुल आसान और सेफ तरीके से। वाह, थैंक यू सो मच सर शाश्वत। तो इसमें बड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है कि नहीं? जी। ये मैं घर ले जा सकता हूँ? जी, खास तौर से वो टिश्यू वाले दिखाएंगे ना। ओके शाश्वत, आ रहा है 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 80,000 रुपये। ओके, 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन जैसे पुस्तक की लेखिका नयन ज्योत लाहिरी किस क्षेत्र में अपने काम के लिए जानी जाती हैं? नयन ज्योत लाहिरी, ऑथर ऑफ बुक्स सच एज द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इज नोन फॉर हर वर्क इन विच फील्ड? ए मीटियोरोलॉजी, बी आर्कियोलॉजी, सी बॉटनी, और इज इट डी माइक्रोबायोलॉजी? मौसम विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान,
वनस्पति विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान? सर, अगर मैं बुक का टाइटल पे थोड़ा ध्यान दूं, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, एंड इसको लेकर अगर थोड़ा लॉजिकली सोचूं, तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। एंड जो चार ऑप्शंस हैं, उनमें आर्कियोलॉजी ही ऐसा ऑप्शन है जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को अनकवर करता है। मीटरोलॉजी इज मीटियोर्स, बॉटनी इज प्लांट्स, माइक्रोबायोलॉजी इज स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी आर्कियोलॉजी इसका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी को प्लीज लॉक किया जाए। ऑप्शन बी ताला लगाया जाए। वेल प्लेड शाश्वत, इज द राइट आंसर। मैनजोत लहरी जी एक लेखिका और वो हिस्ट्री की प्रोफेसर है और वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की डीन ऑफ कॉलेजेस भी रह चुकी। बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने। वेल प्लेड शास्त्र। अब आएंगे नौवें प्रश्न के ऊपर। इसका मूल्य है 160,000 रुपए। नवा प्रश्न 160,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो में अनीता आनंद ने किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? इन 2021 अनीता आनंद took चार्ज एज द मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन सुनिए। ए कैनेडा, बी नॉर्वे, सी यूनाइटेड किंगडम, डी फिजी। सर, मुझे इसका कोई अंदाजा तो नहीं है, तो मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। शांत हो जाइए, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लेंगे? वही सोच रहा हूँ कि कौन सी लूं। मैं वीडियो फोन अ फ्रेंड यूज करना चाहूंगा। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। शाश्वत, आपने तीन नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, ये है वो नाम। क्षितिज जायसवाल है, कमल दत्ता है और सकुल गर्ग। सर, क्षितिज जायसवाल से बात करें। किनसे? क्षितिज, क्षितिज जायसवाल। ऑलराइट, क्षितिज जायसवाल से वीडियो कॉल करना चाह रहे हैं, इसे कनेक्ट किया जाए। क्षितिज जायसवाल जी आपके मित्र है, साथ में काम करते हैं। आई एम लखनऊ में बैचमेट्स थे। ऑलराइट, ओके, बैचमेट। ऑलराइट क्षितिज, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्ते अमित जी। आपके बैचमेट शाश्वत जी हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। रेडी क्षितिज? ऑलराइट जी, बिल्कुल। शाश्वत, आपका समय शुरू होता है अब। अनीता आनंद took चार्ज एज द मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ विच कंट्री इन 2021? आई रिपीट, अनीता आनंद took चार्ज एज द मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ विच कंट्री इन 2021? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी यूके या ऑप्शन डी फिजी। इसका आंसर मुझे तो लग रहा है बिटवीन ए कनाडा और सी यूनाइटेड किंगडम, बट आई थिंक ए कनाडा पे आई एम 80% श्योर। ओके, 80% 80% ऑन कनाडा। या अच्छा, ठीक है। सर, आई ऑल्सो गो विद ऑप्शन ए कनाडा। तय कर लिया है इन्होंने, ऑप्शन ए कनाडा पे ताला लगाया जाए। 80% कहा था ना उन्होंने, 20% कहा था यूनाइटेड किंगडम पे था जी। So, United Kingdom बोलते तो गलत होते। Canada is the right answer. Well done. Thanks, bro. अनीता आनंद भारतीय मूल की हैं, वो भारतीय मूल की हैं लेकिन उनका जन्म कनाडा में हुआ था और वो इससे पहले पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोक्योरमेंट मंत्री रह चुके हैं वहां की, कनाडा की। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है शाश्वत, इन चित्रों में
पिता कौन हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था? Who is the father seen in these panels who also embraced Buddhism? पैनल दिखाया जाए। ठीक है, ठीक। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं मैं। ये रहे ऑप्शंस: ए अजात शत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसारा। सर, इन चारों में से तो जितना मुझे आइडिया है सिर्फ सम्राट अशोक ही ऐसे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, पर साथ साथ मुझे बाकी तीनों के बारे में पता नहीं अगर उन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था या नहीं। ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूंगा सर। ऑलराइट, सोच विचार के सी ताला लगाया जाए। बाकी तीनों के बारे में क्या चल रहा था आपके मन में? सर, जहां तक मुझे आइडिया है, जो गलत हो सकता है, अशोक ही ऐसे थे जिन्होंने बुद्धिज्म एम्ब्रेस किया था, इंडिया में काफ़ी स्प्रेड भी किया था, और ये जो दो नाम हैं मेरे ख्याल से ये अशोक के बेटों के नाम हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अश्वत्थ 3,20,000 रुपए खेल का दूसरा पड़ाव पार कर गया आपने। विडंबना यह है कि अशोक जिस नाम का अर्थ है जिसे दुख ना हो, जी अशोक का नाम था जिसे दुख ना हो, कलिंग युद्ध के बाद दुखी हुए। जी जी जी, बहुत ही उन्होंने देखा कि वायलेंस देखा, खून खराबा देखा उस युद्ध में, और उसके बाद उनको लगा कि नहीं, यह गलत काम है। मन की शांति के लिए उन्होंने युद्ध और धीरे धीरे अपनी सांसारिक संपत्ति को उन्होंने छोड़ दिया जी। और यहां तक कि उन्होंने अपने बेटे को साधु और अपनी बेटी को साध्वी बनने दिया, वही बात हो रही थी। फिर उन्होंने पूरे साम्राज्य में अशोक स्तंभों पर अपने शिला लेखों की स्थापना की। तो अशोक स्तंभ जहां जहां आपने देखा है उसके ऊपर होगा। ओके, ये जो चित्र आपने अभी देखा देवियों सज्जनों, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है और संभव हो पाया, इसके लिए उनका अनेक अनेक आभार। वेल प्लेड शाश्वत, सबसे पहले तो चेक आ रहा है इनके नाम। वेल प्लेड। ₹3,20,000 का चेक शाश्वत, बहुत बहुत बधाई आपको। शाश्वत, बहुत ही उमदा तरीके से आप खेल रहे हैं, और इस बात का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इस बात को अवश्य मानता हूं कि जो सीट खाली है वहां से आशीर्वाद आपको मिल रहा है, और वो बहुत गर्व से आज आपको देख रही होंगी जहां भी होंगे। और शाश्वत, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 2-3 चीजें बता दूं आपको। एक तो ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिलेगा समय ही समय, आप जितना समय चाहे लगा सकते हैं। 17वें प्रश्न की बात की थी, 7.5 करोड़ की, वो जैकपॉट प्रश्न, तिलिस्मी तिजोरी जिसे कहते हैं, उसका द्वार खुल जाता है। और 15वां प्रश्न जो है 75 लाख का, ये है धन अमृत पड़ाव, अगर आपने 75 लाख। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, ये भी एक इमेज प्रश्न है। 1 दिवसीय विश्व कप में एक सम्मान के संबंध में इस क्रम में अगला कौन है? विद रिस्पेक्ट टू एन ऑनर एट द ओडीआई वर्ल्ड कप, हु कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस? और वो सीक्वेंस आपको ये इमेज में दिखाई देगा। कैन वी सी द इमेज प्लीज? रेडी टू गो? यस। ऑप्शन देखता हूं। ए एमएस धोनी, बी युवराज सिंह, सी मिचेल स्टार्क, डी एडम गिलक्रिस्ट। एन ऑनर एट द ओडीआई वर्ल्ड कप, समय समय आपके पास, खेलिएगा जरूर क्योंकि ये लीस्ट रिस्क है। 2 लाइफलाइंस बची हुई हैं। सही उत्तर 6:40। सर, 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था साउथ अफ्रीका में हुआ था,
उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सचिन तेंदुलकर थे। 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीती थी और उसमें ग्लेन मैकग्रा वाज़ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप चार साल ऐड करूँ तो 2011 में हुआ था, इंडिया में हुआ था और इंडिया ही जीती थी। विनिंग कैप्टन एम एस धोनी थे बट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह थे। तो युवराज सिंह शुड कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, तो ऑप्शन बी युवराज सिंह को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी युवराज सिंह, ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल प्लेड। क्या बात है शाश्वत, इनक्रेडिबल, वेल डन। युवराज सिंह ने 362 रन बनाकर और 15 विकेट लेकर के 2011 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था। उन्होंने कैंसर से अपनी लड़ाई के बावजूद बहुत ही खूबसूरती और बहादुरी के साथ बल्लेबाजी की और गेंदबाजी भी। वेल प्लेड शाश्वत, बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये, लेकिन आपने इसका सही उत्तर दिया। 6-40 आप जीत गए हैं। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। रेडी फॉर दिस? यस। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दिन इनमें से किस समाचार की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों में की गई थी? द न्यूज ऑफ विच ऑफ दीज वॉज अनाउंस्ड इन द पेपर्स इन लंदन ऑन द डे ऑफ द कॉरोनेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड। ऑप्शन सुनिए, ए लॉन्च ऑफ स्पुटनिक, बी मून लैंडिंग, सी फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, वॉज इट डी समिटिंग ऑफ माउंट एवरेस्ट। स्पुटनिक का प्रक्षेपण, चांद पर मानव का पहला कदम, पहला हृदय प्रत्यारोपण, माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। सही आपको पहुंचा देगा 12,50 पे, गलत नीचे गिरा देगा 3,20 पर। सर अभी हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड का निधन हुआ था, तो तब ये मैंने ज़रूर पढ़ा था कि उन्हें 70 साल, 70 ईयर्स से शी हैज बीन द मोनार्क ऑफ यूके। तो 22 से अगर 70 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 1952 में आ जाएंगे। मून लैंडिंग 60s में हुई थी तो वो तो नहीं है। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट मैं श्योर नहीं हूँ, बट 95 मैंने कहीं पढ़ा है, बट नॉट 100% श्योर। समिटिंग ऑफ द माउंट एवरेस्ट वॉज डन बाय एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 52, 53, 54 कुछ ऐसा था साल। लॉन्च ऑफ स्पुटनिक, स्पुटनिक रशिया लॉन्च करेगा एंड वो डायरेक्टली नासा के साथ कंपीट करते थे। स्पुटनिक मून मिशन तो नहीं था, इट वॉज जस्ट यू नो सैटेलाइट दैट वॉज गोइंग इन टू स्पेस, बट लेट 50s, अर्ली 60s होना चाहिए। तो इस टाइमलाइन के हिसाब से समिटिंग ऑफ माउंट एवरेस्ट इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन दैट कम्स टू माई माइंड। सर ऑप्शन डी लग तो रहा है। सर थोड़ा रिस्क है बट
रिस्क लेना चाहूंगा। ओके, क्या करें? ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ऑप्शन डी? जी, समिटिंग ऑफ माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी चुना है शाश्वत गोयल जी ने, इसको ताला लगाया जाए। बहुत सारा आपने सालों का विश्लेषण किया, मून लैंडिंग के बारे में कहा, फर्स्ट हार्ट प्लांट के बारे में कहा, और उम्र के हिसाब से क्वीन एलिजाबेथ का आपने अभी देखा कि एटलीस्ट 70 इयर्स। लॉन्च ऑफ स्पुटनिक जो था वो आप सोच रहे थे बिटवीन द 50s एंड कहीं था। सर, अगर आप लॉन्च ऑफ स्पुटनिक कहते तो आप गलत होते। दिस इज द राइट आंसर। Brilliant. Well played, sir. Sherpa Tenzing Norgay और Edmund Hillary ने 29 मई 1953 को एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की थी। On the 29th of May, अभियान के साथ यात्रा करने वाले एक ब्रिटिश पत्रकार ने लंदन को कोड में यह खबर भेजी। इसकी घोषणा 2 जून को लंदन में द टाइम्स में की गई थी, जिस दिन युवा राजकुमारी एलिजाबेथ रानी बनी थी। वेल प्लेड शाश्वत, वेल प्लेड। अब चलते हैं आगे 13वां प्रश्न में, 25 लाख रुपए। रेडी शाश्वत? यस। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। उत्तरी गोलार्ध में एकमात्र जगह कौन सी है जहां पर आपको पेंगुइन मिलेंगे? Which is the only place in the northern hemisphere where you will find penguins? Options suniye: A. Baffin Island. B. Alaska. C. Galapagos Islands. Or is it D. Greenland? Baffin Island yani Baffin Dweep, Galapagos Islands, Galapagos Dweep Samuh, ग्रीनलैंड, अलास्का। सही देंगे आपको 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पर। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी 2 लाख ना बची हुई है। सर, अलास्का यूएस का पार्ट है, कनाडा के लेफ्ट साइड में है, वहां पर तो पेंगुइन्स नहीं होते हैं। सेम गोज फॉर ग्रीनलैंड, क्योंकि अगर मैं लैटिट्यूड वाइज देखूं तो सेम डिग्री हुआ दोनों का, तो अगर अलास्का में सर्वाइव नहीं कर सकते तो ग्रीनलैंड में भी नहीं करने चाहिए। तो इस लॉजिक से ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी तो मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं, बचे बैफिन आइलैंड एंड गैलापागोस आइलैंड्स। गैलापागोस का मैंने नाम सुन रखा है, पढ़ा हुआ भी है, बट कभी इस रेफरेंस में मैंने ध्यान नहीं दिया था। बैफिन आइलैंड का मुझे कोई अंदाजा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे अंदाजा नहीं है कि बैफिन आइलैंड एग्जैक्टली कहां पर है। अगर पता नहीं है तो फिर मैं कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाऊंगा। तो इस केस में मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा सर। एक और लाइफलाइन? जी। 2 बची हुई है, कौन सी लेंगे? सर, आई विल गो विद 50-50। ऑलराइट, कमरी महाशय 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं शाश्वत, इसको अंकित कर दिया जाए। शाश्वत, जैसा कि आप जानते हैं, 2 जो गलत ऑप्शन हैं वो हटा दिए जाएंगे। हटा दीजिए कंप्यूटर जी। बी अलास्का बचा है, सी गैलापागोस आइलैंड्स। एक सही एक गलत। सही देंगे आपको 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पर। एक लाइफलाइन अभी भी बची। Thanks.
Sir, I'll go with option C, Galapagos Islands. You'll go with C, Galapagos Islands? Yes, sir. All right. Galapagos Islands, C, Anuman lagaya hai, thala lagaya jaye. It's a brilliant answer, well played. Well done, Shashwat. ये एकमात्र पेंगुइन प्रजाति है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में और इक्वाडोर के गैलापागोस आइलैंड्स में पाई जाती है. एंटार्क्टिका में पाए जाने वाले पेंगुइन के उलट उनको अपने अंडे जम जाने के बारे में चिंता नहीं होती है. वेल प्लेड शाश्वत, बड़ा ही मुश्किल प्रश्न था ये, लेकिन आपने बिल्कुल सही तरीके से इसका अनुमान लगाया. शाश्वत, बहुत पहले ये प्रश्न पूछना चाहिए था हमें आपसे कि क्या कीजिएगा इतनी सारी धनराशि. सर, मुझे पता था कि ये सवाल आप जरूर पूछेंगे. जी सर, मेरे लिए इस पैसे की कोई अहमियत या कोई महत्व नहीं है. ओके. क्योंकि जब से मामा के साथ ये हुआ है जी, तब से मेरा नजरिया जिंदगी की तरफ बहुत ज्यादा बदल चुका है. तो ये एक रियलाइजेशन हुई है कि जितनी भी ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं ये सब यहीं रह जाएंगी और हम चले जाएंगे. तो तब से मेरा जो फोकस है वो सिर्फ इसी पे रहता है कि हैप्पीनेस को या फिर खुशियों को बांटो और सोसाइटी ने जो आपके लिए किया है उसे वापस करने की कोशिश करो. तो कुछ सोचा नहीं है मैंने इस पर वैसे का क्या करूँगा, बट ब्रॉड अंदाज़ा ये है कि इसे डोनेट करूंगा मैं ऑर्फनेजेस में, एनजीओज में, ओल्ड एज होम्स में, या फिर या फिर उन परिवारों को दूंगा जिनका कोविड की वजह से कुछ नुकसान हुआ है पर वो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने आप को संभाल पाए. जी, जी. तो इसलिए मैं ऐसे लोगों की मदद करना चाहता हूँ. बिकॉज अल्टीमेटली what exactly is the purpose of our brief immortal life if not the pursuit of legacy. Well spoken, Shashwat. बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके. हर चीजों को बहुत ही ध्यान से आपने देखा है, जिंदगी को बहुत ध्यान से आपने देखा है, समझा है, और जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं इसकी हम सराहना करते हैं. बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं इसकी हम सराहना करते हैं और बधाई देते हैं आप. थोड़ा शाश्वत, 13 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 25 लाख रुपए जीत गए हैं. और अगला प्रश्न अगर आपने सही उत्तर दिया तो आप जीत जाएंगे 50 लाख रुपए. यह है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए, और आपके स्क्रीन के ऊपर वो प्रश्न ये रहा. ऑस्कर विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए डैनी बॉयल ने इनमें से किस फिल्म को एक प्रेरणा बताया था? Which of these films was cited as an inspiration by Danny Boyle for the Oscar-winning film Slumdog Millionaire? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने. ए बाजीगर, बी ब्लैक फ्राइडे, सी शूल, डी गैंग्स ऑफ वासेपुर. सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत गिरा देंगे नीचे आपको 320 पर. एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है. सर, क्वेश्चन से तो रिलेटेड नहीं है बट काफी मेटा रेफरेंस है कि हम केबीसी में बैठकर एक ऐसी मूवी की बात कर रहे हैं जहां पे केबीसी के बारे में ही दिखाया था. स्लमडॉग मिलियनेयर वन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट पिक्चर इन 2008. गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट वन एंड पार्ट टू 2012 एंड 2013 में रिलीज हुई थी, तो वो तो ऑटोमेटिकली बाहर निकल गया. बाजीगर बाय शाहरुख खान, इंस्पिरेशन कैसे हुआ?
शूल वॉज मनोज बाजपाई, ब्लैक फ्राइडे वॉज अनुराग कश्यप. सर मैंने पढ़ा है दैट ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द वर्क्स ऑफ अनुराग कश्यप. उसके अकॉर्डिंग से ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी बनाए गए होंगे. बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप. डी मैंने अभी एलिमिनेट किया तो बचा बी. तो बी पे तो मेरा ध्यान जा रहा है. एक बार मैं बाकी दोनों ऑप्शंस को भी एनालाइज करना चाहूंगा. बाजीगर वॉज शाहरुख खान वेर ही प्लेड द नेगेटिव रोल. शूल वॉज मनोज बाजपेयी. शूल ये मैंने कहीं तो पढ़ रखा है दैट डैनी बॉयल वॉज इंस्पायर्ड एंड ही लाइक्ड द वर्क ऑफ अनुराग कश्यप. तो अगर मैं उस ट्रेन ऑफ थॉट से जाऊं तो ऑप्शन बी साउंड्स लाइक द मोस्ट लॉजिकल आंसर. क्या करें ये शाश्वत. आप सर एक बार रिलीज ईयर याद कर रहा हूं. सर ब्लैक फ्राइडे वॉज अबाउट द 93 बॉम्ब ब्लास्ट. इट फीचर्ड द लाइफ ऑफ टाइगर मेमन एंड इट वॉज रिलीज्ड इन 2007. तो टाइमलाइन के हिसाब से भी गिवन हाउ बिजी डैनी बॉयल वुड बी इन हिज लाइफ ही इज मोर लाइकली टू वॉच अ मूवी जो रिसेंटली रिलीज हुई हो. तो इन दोनों रीजंस की वजह से आई विल गो फॉर ऑप्शन बी ब्लैक फ्राइडे. ऑप्शन बी ब्लैक फ्राइडे. ऑलराइट ओके लेट मी लॉक दिस बी ब्लैक फ्राइडे फर्स्ट. सो यू वन 50 लाख रुपीज. वेल प्लेड शाश्वत. जिस खूबसूरती से आपने अनुमान लगाया उसकी हम सराहना कर रहे हैं. मुंबई में शूट करने के बारे में आइडियाज के लिए डायरेक्टर डॉनी बॉयल ने कई हिंदी फिल्में देखी जिसमें ब्लैक फ्राइडे, सत्या और कंपनी फिल्में थी. राइट. जो कि राम गोपाल वर्मा जी की थी. ब्लैक फ्राइडे को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था और जैसे कि आप कह रहे थे वो उनके काम से काफी प्रभावित थे और इसीलिए ब्लैक फ्राइडे जो था वो सही उत्तर था आपका. 50 लाख रुपीज शाश्वत. वेल प्लेड. एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए. ऑलराइट शाश्वत, आ गया है खेल का तीसरा पड़ाव जिसको हमने धन अमृत पड़ाव माना है. ये है 75 लाख रुपए. रेडी फॉर दिस शाश्वत? यस सर. 15वां प्रश्न, 75 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर. ये रहा. इनमें से किस खाद्य पदार्थ के अंग्रेजी नाम की उत्पत्ति एक भारतीय भाषा में है? द इंग्लिश नेम फॉर विच ऑफ दीज आइटम्स हैज इट्स ओरिजिन इन एन इंडियन लैंग्वेज. ऑप्शंस ए जिंजर, बी बनाना, सी पंपकिन, डी कॉफी. अदरक, केला, कद्दू, कॉफी. सही उत्तर देंगे आपको 75 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पर. एक लाइफलाइन अभी भी जीवित. अगर आपको नहीं खेलना आगे तो अनुमति देंगे आपको कि आप क्विट कर सकते हैं. 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं. अदरक, इंग्लिश नेम फॉर अदरक इज जिंजर. ओ जिंजर का मींस पंपकिन.
कॉफी 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 नॉट कॉफी सर आई विल गो विद माय थर्ड लाइफलाइन थर्ड लाइफलाइन व्हाट इज पोल ऑलराइट इस स्तर पर आकर के आमतौर पर ये लाइफलाइन नहीं ली जाती है लेकिन फिर भी हम विश्वास रखते हैं हमारी जनता के ऊपर ऑडियंस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है आप ए जिंजर को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है 62% क्या करना चाहेंगे आप शाश्वत तो सोचना चाहूंगा इंग्लिश नहीं फॉर जो इफ आई टेक सर प्रॉब्लम ये है कि अगर कौन सी इंडियन लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है तो फिर भी सही डायरेक्शन में सोचा जा सकता था अब इंडिया कंट्री ऐसी है जहाँ पे लैंग्वेजेस इतनी सारी हैं तो कौन सी लैंग्वेज के बारे में सोचूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा लाइफलाइन कह रहा है ए 62% बी 37% सी 0% डी 1% सो मेरे सामने दो ऑप्शंस हैं या तो मैं जनता की बात मान के ऑप्शन ए पे जाऊं या मैं 50 लाख लेके क्विट करूं क्विट तो सर मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा तो क्या करना सो आई विल गो विद द ऑडियंस एंड आई विल ट्रस्ट देम लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओके अधिकतर ऑडियंस ने कहा है ए जिंजर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी आपको मालूम है कि भारतीय भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत मानी जाती है एब्सोल्युटली राइट वेल प्लेड क्या बात है वाह अनबिलीवेबल क्या बात है जनता क्या बात है जनता वाह 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 शिंगवेरम वहां था वो संस्कृत शब्द वो फिर लैटिन में आया जिंजिबर बन के और वहां से बना जिंजर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इतनी सारा ज्ञान इनके अफसार प्राप्त था आंसर 75 लाख रुपए का चेक तो चलिए जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी आपको प्रणाम करता हूं मैं और शुरू करता हूं प्रारंभ किया जाए लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति इससे पहले कि आप क्वेश्चन रखें मेरे सामने ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड द ऑडियंस एंड एवरीवन एल्स आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे Thank you. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू धन्यवाद बस बहुत धन्यवाद ऑलराइट शाश्वत गोयल जी 16वां प्रश्न आज के इस खेल का पहला प्रश्न 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा गोयल
गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरी स्तंभ किस साम्राज्य के राजाओं की वंशावली निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण स्रोत है? द भीतरी पिलर इन गाजीपुर यूपी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स इन डिटर्मिनिंग द जीनियोलॉजी ऑफ द किंग्स ऑफ विच एम्पायर। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ए शिशुनाग, बी गुप्त या गुप्ता, सी नंदा या नंद, डी मौर्य या मौर्य। सर अगर मैं चारों ऑप्शंस को देखूं, मौर्य सबसे ज़्यादा फेमिलियर है, उनका ऑलमोस्ट पैन इंडिया किंगडम था। देन वॉज गुप्तास इन टर्म्स ऑफ टोटल साइज, फिर नंदास। शिशुनाग का मैंने, मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं। क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो गाजीपुर इन यूपी वुड बी द वेस्टर्न साइड ऑफ द स्टेट विच विल बी क्लोज टू द करंट कैपिटल, बट कैपिटल ब्रिटिशर्स ने ट्रांसफ़र करी थी, उससे पहले कलकत्ता थी, उससे पहले द मुगल्स वर देयर, उनका बेस वॉज सेंटर्ड अराउंड आगरा शाहजहानाबाद। तो अगर मैं लॉजिकली कनेक्ट करूं, उनसे जो प्रीवियस एम्पायर रहा होगा, पॉसिबली उनका भी जो कैपिटल होगा दैट मस्ट बी अराउंड द एरिया ऑफ गाजीपुर, क्योंकि रीलोकेशन ऑफ कैपिटल विल ऑल्सो बिकम अ बिग टास्क इन इटसेल्फ। तो ऐसा कौन सा एम्पायर है जिसका कवरेज है, जिसका रूल इस पर्टिकुलर जगह तक आ रहा था, ये मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं। सही उत्तर 1 करोड़, गलत वहीं रखेंगे आपको 75 लाख, कोई लाइफलाइन नहीं, किसी भी समय आप चाहें क्विट कर सकते हैं। सर ए का मुझे आइडिया नहीं है, ऑप्शन डी फॉर सम रीजन डजंट लुक कन्विंसिंग कि मौर्य डायनेस्टी के की एंटायर जीनियोलॉजी विच इज देयर लिनेज इन अ वे वो गाजीपुर के एक पिलर में मिलेगी। आई मीन देयर वर अदर मच बेटर प्लेसेस वेयर दिस कुड हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम, which leaves me with option B and option C. आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? सर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने के लिए चारों ऑप्शंस के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी नॉलेज मुझे ना के बराबर ही है, विच इज ऑप्शन ए शिशुनाग। कमिंग टू ऑप्शन बी, मैं इस ऑप्शन को जियोग्राफिकली देख रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू पिन पॉइंट पीपल इन रेट्रोस्पेक्ट and transferring them back to whatever age we are talking about in Gazipur UP. तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा कुछ
एक कनेक्ट दिख रहा है। Okay. नंदा पे भी अगर मैं सेम लॉजिक लगाऊं, नंदा आर ऑल्सो यूजुअली फाउंड इन द नॉर्दर्न बेल्ट, बट दे आर मोर टुवर्ड्स दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पंजाब का सदर्न एंड। तो इन दोनों में से गुप्ता मुझे ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। देन आई कम टू ऑप्शन डी, द मौर्य डायनेस्टी, जो एक काफी बड़ा एम्पायर था एंड मल्टीपल जनरेशंस तक उनका राज चला था। एंड उनकी प्रेजेंस पूरे इंडिया में या भारत में उस टाइम थी। बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो गाजीपुर में आके पिलर क्यों लगाएंगे। उनके पास और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट सिटीज हैं ये काम करने के लिए। बैक देन पिलर्स पे बहुत सारी एनग्रेविंग्स होती थी, लिखा रहता था, बिकॉज यू कैन पुट इट ऑन रिकॉर्ड किसी पेपर पे या किसी बुक में, बट चांसेस नहीं थे कि वो सर्वाइव कर पाए फॉर मल्टीपल जनरेशंस। तो उस ताकि वो स्थिति ना देखनी पड़े, इसलिए वो पिलर पे ही एनग्रेव कर देते थे अबाउट the empire, the kings, their achievements, so on and so forth. Sir, risk to zero hai, to tala to lagayenge. Ji. Option B pe hi mera dhyan ja raha hai, sir. Thought process that is coming to my mind. Okay. So let's go with option B. Option B. Aapko kehna padega, please lock option B. Sir, please lock option B. Option B, Gupta. Lock kiya jaye. से हर साल मैंने अप्लाई किया। मम्मा हमेशा मुझे कहती थी कि उनका सपना है कि उनका बेटा एक दिन हॉट सीट पे जाए। अब जब मुझे मौका मिला है हॉट सीट पर आने का, तो जिसके लिए मैं ये करना चाहता था वो अब इस दुनिया में नहीं। Yes! Fantastic real analysis. Really superb. Well played. Well played. भीतरी स्तंभ में महान गुप्त सम्राटों में से एक स्कंद गुप्त के बारे में शिलालेख हैं। इसमें गुप्त राजाओं की 9 पीढ़ियों के नाम भी हैं। चूंकि गुप्त राजवंश ने लगभग 1500 वर्ष पहले शासन किया था, इसलिए उनके बारे में अधिकांश जानकारी लुप्त हो गई थी। इस तरह के शिलालेख उनकी कहानियां बताने के लिए आज भी हमारे सामने मौजूद। कैसा, 1 करोड़ रुपए आपने जीत लिए हैं? जी सर। आप अपने परिवार को ये सूचना देना चाहेंगे? अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल कॉल लगाया जाए। हाय शाश्वत, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। सर आपसे एक बात बोलूं? हाँ जी बोलिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप
ये न्यूज उनको दे सकते हैं बिकॉज आपकी आवाज में ज्यादा वजन है, इट कैरीज मोर ग्रेविटास। नीतिका जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो सर। और आपको बताते हुए हमें बड़ा गर्व हो रहा है, आप करोड़पत्नी बन गए हैं। 1 करोड़ रुपए ये जीते हैं अभी। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, वेल डन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बट ओके, आई टेक अ मोमेंट प्लीज। आई थिंक ये सिर्फ शाश्वत की जीत नहीं है, जितनी शाश्वत की मेहनत है फॉर द लास्ट 24 years ऑफ हिज क्विजिंग जर्नी, आई थिंक उससे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मम्मा का रहा है एज अ पेरेंट। जो सपोर्ट, जो मोटिवेशन, जो गाइडेंस उन्होंने उनको दी है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर दैट ही इज हियर टुडे। वेल सेड, वेल सेड। नीतिका, शायद इन्होंने बता ही दिया आपको कि कंपेनियन की चेयर उन्होंने खाली रखी हुई है, और मुझे विश्वास है कि उनकी माँ की आत्मा जो है आज यहाँ पर मौजूद है, और उनके आशीर्वाद से ही आज ये करोड़पति बने। डेफिनेटली, उनकी ब्लेसिंग्स के बिना कुछ नहीं है। नीतिका जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है जी, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई लाइफलाइन जीवित होती भी तो भी आप ये जो अगला प्रश्न आ रहा है उसके लिए आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। 17वां प्रश्न, 7.5 करोड़ रुपए शाश्वत गोयल जी आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। किस ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी को प्राइमस इन इंडिस आदर्श वाक्य दिया गया था, क्योंकि वो भारत में तैनात होने वाली पहली टुकड़ी थी? Which British Army unit was given the motto Primus in Indus because it was the first to serve in India? Aur aapki options ye rahe: A. 41st Welsh Regiment of Foot, B. 1st Coldstream Guards, C. 5th Light Infantry, या डी 39th रेजिमेंट ऑफ फुट। इकतालीसवां रेजिमेंट ऑफ फुट, प्रथम कोल्ड स्ट्रीम गार्ड, पांचवी लाइट इन्फेंट्री, 39वां रेजिमेंट ऑफ फुट। 7.5 करोड़। एक करोड़ जीत रहे आप। क्विट करेंगे तो 1 करोड़ मिलेगा आपको। खेला आपने सही हो गया तो 7.5 करोड़, गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे 75 लाख पर। सर, मैंने अपना डिसीशन तो बना लिया, मैथमेटिकली स्पीकिंग इट मेक्स कंप्लीट लॉजिकल सेंस कि मैं खेलूं, बिकॉज 1 करोड़ से 7.5 करोड़ इट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 650%। बट अगर गलत हुआ देन दी डेल्टा इज जस्ट -25%, सिंस द प्रोस फार आउटवे द कॉन्स, तो मैं खेलूंगा। ओके, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, एक 41st है, एक 39th है। असेंडिंग ऑर्डर में देखूं तो 39th शुड बी द वन दैट शुड बी कमिंग इन फर्स्ट,
बट जरूरी नहीं है. आई मीन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मे बी द 41st वाज सिलेक्टेड और उनको भेज दिया गया. 41st के बाद ब्रैकेट में आपने लिखा है वेल्च. वेल्च इज अ इट्स अ सरनेम ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन. It must be the squadron leader or whatever, the leader over there. First Coldstream Guards, numerically sahi lag raha hai, but Fifth Light Infantry. इन्फेंट्री की जब भी बात करते हैं सो ईदर देयर इज इन्फेंट्री और द अदर कैटेगरी इज ऑलवेज कॉल्ड लाइट इन्फेंट्री. लाइट इन्फेंट्री तब बोला जाता है जब जो आपका मिलिट्री ऑपरेशन है इट्स इन इट्स यू नो इट्स इन इट्स इन्फेंसी. कोई ज़्यादा पूरी फौज लेके जाके जंग करने नहीं जा रहे उस टाइप का थोड़ा. ओके सर ऑप्शन बी को मैंने साइड में रखा है. ए सी डी पे थोड़ा फोकस करना चाहूंगा. टफ 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 वेल्च. सर ए और डी को देख रहा हूं मैं. नंबर से मुझे कुछ खास अंदाजा लग नहीं रहा. द ओनली थिंग इज इन ऑप्शन ए एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रखी है विच इज वेल्च. But that also is not helping me. Sir, पहले East India Company आई थी, उन्होंने trade करना start किया था, फिर उन्हें realize हुआ that we can colonize this place, तो उन्होंने British Army को बोला होगा. British Army ने अपनी एक unit भेजी. वो जो unit थी जब वो पहली बार आई उसको ये motto दे दिया गया. तो British Army ने जब अपनी unit भेजी होगी if it was done just for the purpose of exploration to wo light infantry bhejenge. agar unka pehle se ye mana tha ki nahi hum you know hum ja ke wahan pe sab kuch conquer kar sakte hain so they'll send a regiment of foot. Sir I'll go for option D. फाइनल आंसर. सर एक बात बोलूं? जब वैसे बोलते हैं ना तो मैं अपने आप को ही डाउट करना स्टार्ट कर देता हूं एंड देन आई गो बैक टू वेयर आई वाज. आपने अभी कहा नहीं ना लॉक करने के लिए. ऑप्शन ए वर्सेस ऑप्शन सी वर्सेस ऑप्शन डी. ऑप्शन ए वर्सेस ऑप्शन सी. 41st वेल्च रेजिमेंट ऑफ फुट. 5th लाइट इन्फेंट्री. Let's go for the 41st Regiment of Foot. Final answer. A. Take it, sir. Please lock option A. 41st Welch Regiment of Foot. Option A. 41st Welch Regiment of Foot. पे ताला लगाया जाए. It's the wrong answer, Shash. 39th Regiment of Foot is the right answer. Shashwat, आपने बहुत सुंदर तरीके से खेला था और दुर्भाग्यवश आज आप यहां से 1 करोड़ नहीं बल्कि केवल 75 लाख लेकर के जाएंगे. 39th Regiment of Foot is the right answer. आपका ध्यान एक बार गया भी था वहां पर. 39th Regiment of Foot का गठन 1689 में हुआ था और इसे 1750 के दशक में भारत भेजा गया था और इसने प्लासी के युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ प्लासी. बाद में इस रेजिमेंट को किसी और रेजिमेंट के साथ मर्ज करके डॉर्सेटशायर रेजिमेंट इसको बना दिया गया था, डॉर्सेटशायर. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. ये जो आपकी जीती हुई रकम है शाश्वत, ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे. आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया,
एक दो तीन चार पांच, ठीक है भाई साहब, पांच जीरो लगा दिया है, कंफर्म किया, और ये 75 लाख रुपए अभी के अभी गए आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, तालियां बज जाएं के लिए कम शासन की जोर बात। बहुत जल्दी खत्म कर दिया खेल।